मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में लाडली बहना महासम्मेलन का आयोजन हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 1,00,000 लाडली बहनों को संबोधित किया। संबोधित करते हुए उन्होंने गाना भी गाया। इस वीडियो में उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर भी किया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में आवेदनों की संख्या हुई 50,00,000 के पार। बड़ी संख्या में बहनों के मुस्कुराते चेहरे देखकर दिल खुशी से झूम उठा। बहनों के जीवन में सुखद बदलाव आने वाला है। इस मौके पर गाना तो बनता था। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से ठीक 7 महीने पहले कांग्रेस में बड़े बदलाव की चर्चा छिड़ गई है। दिल्ली में सीएम भूपेश, प्रियंका और राहुल गांधी की बैठक हुई, जो करीब 15 मिनट तक चली। इसके बाद मुख्यमंत्री राहुल गांधी के निवास से रवाना हो गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और चरणदास महंत सभी दिग्गज दिल्ली में हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज लाडली बहना योजना सम्मेलन के लिए खंडवा पहुंचे। सीएम के आने से पहले 10 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने के विरोध में सीएम को काले झंडे दिखाने के लिए रणनीति बना रहे थे। इसकी भनक लगते ही पुलिस ने गांधी भवन और इंदिरा चौक पर दबिश दी। पुलिस यहां से कांग्रेस नेताओं को घसीटते हुए कोतवाली ले गई। रायपुर के कांग्रेस नेता पर कांग्रेस पार्टी की ही महिला नेत्री ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का दावा है कि कांग्रेस नेता उसे अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर कर रहे थे। इस मामले में महिला नेत्री ने रायपुर एसएसपी से शिकायत भी की थी। वहीं दूसरी ओर जिस नेता पर ये गंभीर आरोप लगे हैं वो महिला को ब्लैकमेलर बता रहा है। सत्तारूढ़ बीजेपी और प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। राज्य के एक गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें विधायकों की नहीं अच्छे कार्यकर्ताओं की जरूरत है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनके इस बयान पर निशाना साधते हुए उन्हें एक्सीडेंटल नेता बता दिया और इसे उन्होंने नाच का अहंकार बताया। दरअसल कमलनाथ जी जो इमरजेंसी का एक्सीडेंट था ना, ये वहां से निकले हैं और इसलिए लोकतंत्र के मंदिर में जहां जनता चुन के विधायकों को भेजती है, ये उस जनता का अपमान है। कोई कीमत नहीं है ऐसा कह के आप जनता जनार्दन का अपमान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले के गर्ल्स हॉस्टल में 19 छात्राएं कोरोना संक्रमित मिली हैं। ये सभी छात्राएं शासकीय प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजातीय कन्या छात्रावास नगरी में रहती हैं। सर्दी खांसी की शिकायत होने पर छात्राओं को जांच के लिए नगरी अस्पताल लाया गया था, जहां जांच के बाद उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को भक्त निवास की सुविधा मिलेगी। 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विशाल और सर्व सुविधा युक्त भक्त निवास शिरडी और तिरुपति में मिलने वाली सुविधा जैसा होगा। यहां पर एसी रूम, ई बस चार्जिंग, कैफेटेरिया से लेकर भोजन प्रसादी भी भक्तों को मिल सकेगी। कवर्धा जिले में के रेखागार थाना क्षेत्र में सोमवार को हुए होम थिएटर विस्फोट मामले में दुल्हन के गांव के 4 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये अंजना गांव मध्य प्रदेश में है और यहीं से बारात आई थी। इसके बाद जब परिवार वाले दहेज में मिले सामान को देख रहे थे कि होम थिएटर में विस्फोट हुआ। इससे दूल्हे और उसके भाई की मौत हो गई, 4 और लोग घायल हुए। अप्रैल में पहली बार सूरज ने अपने तेवर दिखाए हैं। कई शहरों में दिन का पारा 38 डिग्री और रात का पारा 20 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। इनमें दमोह, राजगढ़, नर्मदापुर, सागर, सीधी, रतलाम और टीकमगढ़ शामिल हैं। वहीं बड़े शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में भी गर्मी बढ़ गई है। भोपाल में अगले 3 दिन हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं, जबकि 25 से ज्यादा शहरों में बादल छाए रहने का अनुमान है।